परिसीमन सूचना द्वारा सैकड़ों साल से स्थित झरनाटोला वार्ड नंबर 14 का नाम बदलकर अब गायत्री नगर कॉलोनी वार्ड किया गया है, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा और वार्ड का नाम ना बदलने की मांग की। स्थानीय लोगों ने कहा है कि मोहल्ले के ही स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय बाबू हरिहर प्रसाद निषाद के नाम पर वार्ड का नाम रखा जाए, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति ना चाहते हैं, जिसमें झरना टोला की वार्ड के नामों को बदला दिया गया है। जो नाम शुरू से ऐतिहासिक नाम रहा है, उसमें कोई न इस्लामिक नाम है न कुछ है, फिर भी इसमें कुछ लोगों के चंद वजह से ये नाम को बदला गया है। हमारी जो भी यहाँ के लोकल जो निवासी हैं, बरसों रह रहे हैं, उनकी मांग है कि उस नाम को बहाल रहने दिया जाए, उसमें कोई परिवर्तन न किया जाए, जिसके हम विरोध में आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ज्ञापन दिया। सर, इसमें हम पढ़ के सुनाएंगे कि आप पढ़ के सुना दीजिए? नहीं, पढ़ के सुनाने पड़ जैसे आपने तो बता ही दिया है ना, क्योंकि सुनने के लिए क्या एक व्यक्ति सबको दे दीजिए। जी जी, ये बाकी मतलब है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये चीज़ें चला जाएगा, उसके लिए निश्चित। ठीक है, ठीक है, आइए आइए। इस संबंध में सिटीबन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय निवासी देवेंद्र कुमार निषाद धनुष ने बताया, वार्ड धरना टोला जो पुराने सदियों से नाम है, यह 500 वर्ष पहले का नाम है। ये जो मेरे बाप के जो है नाम रखा गया है, ये पता नहीं चल रहा कितनी मतलब जो है बरसों से ये नाम है झरना टोला। झरना टोला का जो मूल नई कॉलोनिया है, जो इसकी शाखा है, उसके नाम से ये वार्ड है झरना टोला, नाम हटाकर गायत्री नगर कर दिया गया है, जबकि इसका कोई श्रेय नहीं है। हम मांग करते हैं कि ऐसे प्रतिनिधि जो लापरवाही किया है, जो जानबूझ के खंडन किया है, हम कड़ी निंदा करता हूं, और हम मांग करते हैं कि झरना टोला नाम बहाल करके झरना टोला नहीं वार्ड रखा जा, और नहीं इससे आपत्ति है तो दो हमारे क्षेत्र के झरना टोला के मूल निवासी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वर्गीय हरिहर बाबू स्वामीनाथ जी, इनको इनके नाम से रखा जा, इससे बड़ी आपत्ति है आपको है तो नीना थापा के नाम से वार्ड रख दिया जा, कोई किसी को आपत्ति